नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीवी लाइव। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, ये बात तो साफ हो गई है। पिछले काफी दिनों से हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी और खुद कांग्रेस के तरफ से इसका इशारा दे दिया गया है। लेकिन अब पांचों राज्यों के चुनाव में धुआंधार प्रचार कर रही प्रियंका गांधी को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। बताया ये जा रहा है कि वो उत्तर प्रदेश से ही चुनाव लड़ेंगी, लेकिन किस सीट से लड़ेंगी, अब इसकी चर्चाएं तेज हो गई हैं। तो सबसे पहले आपको बताएंगे कौन कौन सी वो सीटें हैं जहां से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती है। एक ऐसी सीट जहां से बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी यहीं से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन कयास जो लगाए जा रहे हैं इस किस पनाह पर ये कयास लगाए जा रहे हैं, आखिर क्यों ये बातें चल रही हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा इस वक्त लगातार पांचों राज्यों के चुनाव में चुनाव प्रचार कर रही हैं, स्टार प्रचारक हैं, और अब लोगों की जो राय है वो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को लेकर बदल चुकी है। उत्तर प्रदेश से ही वो चुनाव लड़ेंगी, इस बात की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको याद होगा अजय रॉय जब उत्तर प्रदेश के वो प्रदेश अध्यक्ष बने, उसके बाद से वो लगातार ये कहते आए हैं कि राहुल गांधी अमेठी आएंगे और अमेठी की जनता इस बार जी जान लगा देगी उन्हें चुनाव जिताने के लिए। इसके साथ ही उनका ये भी बयान आता है कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश से ही चुनाव लड़ेंगी। उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के जो नेता कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, वो जी तोड़ मेहनत करेंगे और प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश से जीत कर ही जाएंगे। जिसके बाद संजय राउत और तमाम नेताओं का बयान आया, हालांकि वो बयान और क्या कुछ आंकड़े हैं उसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि सोनिया गांधी से जुड़ा हुआ ये मामला है। सोनिया गांधी की सीट रायबरेली, जिस पर नजर कांग्रेस की बनी हुई है और वहां से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती है, ऐसी चर्चाएं चल रही है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि रायबरेली की सीट से क्यों लड़ेंगी प्रियंका गांधी चुनाव। प्रियंका गांधी लगातार चुनाव प्रचार के लिए रायबरेली जाती रही हैं। सोनिया गांधी वहां से चुनाव लड़ती हैं, लेकिन चुनाव प्रचार के लिए प्रियंका ही जाती हैं। प्रियंका गांधी का सीधा संपर्क नेता और कार्यकर्ताओं से है, वहां के जो मतदाता हैं वो भी प्रियंका गांधी से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, उनके दिल में बसते हैं। रायबरेली के जो मतदाता हैं वो भी सीधे तौर पर प्रियंका गांधी से जुड़े हुए हैं, उनके दिल में अगर कोई है जो कहा जाता है गांधी परिवार का गढ़ है इस वक्त, तो वो प्रियंका गांधी ही है। सोनिया गांधी की बीमारी जो है उसको देखते हुए बताया जा रहा है कि कांग्रेस बड़ा फैसला और बड़ा उलटफेर इस बार लोकसभा चुनाव में कर सकती है और प्रियंका गांधी को टिकट रायबरेली से मिल सकता है, वो वहां पर उतर सकती हैं चुनावी मैदान में और कांग्रेस को वहां से जीत दिला सकती हैं। अब दूसरी सीट जिसकी इसके बाद चर्चा हो रही है वो है फूलपुर की सीट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वही सीट है जहां से दो दो प्रधानमंत्री चुनाव लड़ चुके हैं और 26 साल तक ये सीट कांग्रेस के पास रही है। जी हाँ, और पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी यहीं से चुनाव लड़ा था। विजय लक्ष्मी पंडित और तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं वो भी यहां से चुनाव लड़ चुके हैं। तो प्रयागराज की फूलपुर जो सीट है वहां से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। और आपको बता दें कि उनके नेता कार्यकर्ता कुछ दिन पहले बैनर पोस्टर भी प्रियंका गांधी के लगा रहे थे, तभी से यह चर्चाएं शुरू हो गई थी कि प्रयागराज के फूलपुर से ही प्रियंका गांधी को टिकट मिलेगा। लेकिन पहले नंबर पर रायबरेली अभी भी है, दूसरे नंबर पर चर्चा हो रही है कि फूलपुर की सीट से वो चुनाव लड़ सकती हैं। तीसरी सीट बताया जा रहा है गाजियाबाद की सीट है। गाजियाबाद में भी कांग्रेस का पहले ये गढ़ रहा है, यहां पर भी चर्चाएं हो रही हैं कि प्रियंका गांधी यहां से उतर सकती हैं। हालांकि ये चर्चाएं जो हैं वो चल रही हैं, लेकिन इस पर अभी कोई खास जो इशारा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं दिखाई दिया है। लेकिन हाँ, फूलपुर और रायबरेली में इशारा भी दिख रहा है, बैनर पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं और सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है कि वहीं से प्रियंका गांधी लड़ सकती हैं। हालांकि बयान संजय राउत का भी आया था जो कि इंडिया गठबंधन के सहभागी हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले ये कहा था कि प्रियंका गांधी इतना ज्यादा लोकप्रिय है कि अगर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट वाराणसी की सीट से लड़ती है तो वहां से पीएम मोदी को वो हरा देंगी। लेकिन जो कुछ भी आंकड़े रहे हैं और जिस तरीके से ध्रुवीकरण की राजनीति बीजेपी कर रही है, इसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का कदम कांग्रेस की तरफ से उठाया जाएगा। लेकिन जो चर्चाएं हो रही है वाराणसी सीट की भी हो रही है, हालांकि रायबरेली और फूलपुर की जो सीट है वो कांग्रेस के नजर में हो और यहां से प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतरेंगी और बताया जा रहा है कि यहीं से उन्हें टिकट मिलेगा। तो देखते रहिए डीवी लाइव, धन्यवाद।